हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के बारे में। आपको बता दें, ये वैसे तो सभी परीक्षाओं में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इन तीनों एक्ट से एमपी में एमपीपीएससी में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 3 लेक्चर में इन तीनों को खत्म कर देंगे। तो इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 1955 वाले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। आपको बता दें, यह अधिनियम 1955 क्रमांक 1955 का कितना है, 22, ठीक। अनुच्छेद 17 द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके संसद ने 1955, सर्वप्रथम 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। पहले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से जानते थे, किंतु कम सजा के कारण जब इस प्रकार के व्यवहार में अधिक सुधार नहीं हुआ तो 1976 में, कब 1976 में, इस अधिनियम को संशोधित कर और इसमें और अधिक कठोर बना दिया गया और अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। यह अधिनियम सभी नागरिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम को 8 मई 1955, कब 8 मई 1955, आपको याद रखना है डेट, 8 मई 1955 को अधिनियमित किया गया तथा राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब 8 मई 1955 को राष्ट्रपति ने ऐसे इस पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि आपको बता दें, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तब तक ये विधेयक कहलाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, अधिनियम बन जाता है विधेयक, ठीक। और 1 जून 1955 को, कब 1 जून 1955 को, 1 जून 1955 से ये लागू हो गया, ठीक है। इस धारा में, इस एक्ट में कुल 17 धाराएं, तो आपको याद रखना है यहाँ। पहले से किस नाम से जानते थे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, फिर 1976 में संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया 1955। आपको बता दें, ये 8 मई 1955 को राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए, और 1 जून, कब 1 जून 1955 से ये लागू है। इसमें कुल 18 धाराएं, सॉरी 17 धाराएं, माफ करिए, 17 धाराएं। कितनी धाराएं, 17। अब अधिनियम की धाराओं की बात करते हैं, तो धारा एक में दिया गया संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा जाता है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में, यह अधिनियम उस तारीख से प्रवर्तन में रहेगा जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में जारी की गई। तो ये तारीख थी 1 जून 1955। तो धारा एक में आपको याद रखना, इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, ये संपूर्ण भारत में लागू है, 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था, ठीक है। फिर धारा दो में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा दो किससे संबंधित है, डेफिनेशन से संबंधित, परिभाषाओं से। तो 2.1 में नागरिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। धारा 2.1 में नागरिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। ऐसे अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति को प्रदान किए गए। फिर अन्य परिभाषाओं की बात करें तो 2.AA, याद रखिए 2.AA, इसमें होटल की परिभाषा दी गई, होटल, जलपान गृह, भोजनालय, कॉफी हाउस आदि को होटल के अंतर्गत लाते हैं। फिर 2.AB, 2.AB स्थान में बी स्थान की परिभाषा दी गई। गृह भवन, अन्य संरचना एवं परिसर जैसे तंबू, वाहन, जलयान आदि को शामिल किया गया स्थान में। फिर 2.AC, लोक मनोरंजन स्थल, याद रखिए 2C में, 2AC में लोक मनोरंजन स्थल की परिभाषा दी गई।
जैसे कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकून, कीड़ा और अन्य प्रकार के मनोरंजन। 2 AD लोग पूजा स्थल से संबंधित है। एक ऐसा स्थान जो पूजा, धार्मिक पूजा के लिए सार्वजनिक स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, भले ही उसका नाम कुछ भी है। ऐसे स्थान जिनका पूरा भाग या कुछ भाग पवित्र स्थान से संबंधित है। निजी स्वामित्व का ऐसा कोई पूजा स्थान जिसे लोग पूजा के रूप में उपयोग की मंजूरी दी गई है। 2DA में वेद से संबंधित, नियम से संबंधित है। 2DB अनुसूचित जाति से संबंधित है, याद रखिए। 2DB अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति से। ये अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दिया गया है, ठीक। फिर है धारा 3 धार्मिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी ऐसे लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने जो उसी धर्म को मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला है, किसी पूजा स्थान में पूजा या प्रार्थना करने, किसी पवित्र तालाब, कुएं या नदी या जल स्रोत से पानी लेने से अस्पष्टता के आधार पर रोकेगा, तो कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह की अवधि के लिए कारावास और 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना होगा या दोनों दंड में दंडनीय होंगे। फिर आती है धारा 4। तो इस धारा 4 में सामाजिक नियोक्ताएं लागू करने के लिए दंड है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी दुकान, लोक उपहार गृह, होटल, लोक मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने या बर्तनों या अन्य वस्तुओं उपयोग करने से किसी या किसी काम में या जीविका के साधन से किसी नदी, जल स्रोत, कुआ, तालाब, कब्रिस्तान या अन्य सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से या राज्य के खंड से पूर्णता या आंशिक रूप से किसी स्थान से प्रवेश, किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से, किसी धर्मशाला, सराय जो सबके लिए खुला हो का उपयोग करने से, किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा, त्यौहार या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से, किसी त्यौहार में आभूषण या अलंकारों के उपयोग करने से अस्पष्टता के आधार पर रोकेगा, तो उसे कम से कम 1 माह अधिकतम 6 माह की अवधि की कारावास और 100 से 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जाएगा। धारा 5 अस्पताल अथवा शिक्षण संस्थान या छात्रावास में प्रवेश से संबंधित। कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को अस्पताल के किसी छात्रावास, शिक्षण संस्था अथवा जनसाधारण या वो उसके फायदे के लिए स्थापित किसी संस्था में प्रवेश देने से इनकार करेगा तो प्रवेश के पश्चात उसके भेदभाव करेगा तो 1 माह से 6 माह तक की सजा और 100 से 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। फिर धारा 6 माल बेचने या सेवा देने से इनकार। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर कोई माल बेचने या उसे सेवा प्रदान करने से इनकार करेगा तो उसे 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपये तक का जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 7 अस्पष्टता के संबंध में दंड का प्रावधान। किसी भी प्रकार की छुआछूत का व्यवहार, उत्पीड़न, बाधा डालने, क्षति पहुंचाना शब्द अथवा दृश्य अथवा संकेत के माध्यम से अपमानित करना आदि को अस्पष्टता का व्यवहार माना जाएगा और ऐसे व्यवहार का कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 6 माह और 100 से 500 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध ऐसा अपराध किया जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता के आधार पर प्रतिशोध लेने की दृष्टि से किया गया है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 2 वर्ष का कारावास और उचित जुर्माना से दंडनीय होगा। फिर धारा 7A है कौन सा अनिवार्य श्रम अस्पष्टता का आचरण माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सफाई करने, पशु के मृत शरीर को हटाने या उसकी खाल खींचने या इस प्रकार के कोई अलग कार्य करने के लिए अस्पष्टता के आधार पर मजबूर करेगा तो उसे कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 6 माह का कारावास प्लस 100 से 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। 3 माह से व अधिक से अधिक 6 माह, याद रखना बदल गया है। इन सभी में 7 तक धाराएं थी उनमें 1 से 6 महीने की सजा के बीच थी, इसमें 3 माह व अधिक से अधिक 6 माह।
अब बात करते हैं आठवीं धारा, कुछ दशाओं अनुगतियों का रद्द होना। यदि कोई व्यक्ति धारा छह के अंतर्गत ऐसे मामले में दोषी सिद्ध पाया जाता है जो कि उसके किसी आजीविका, व्यापार, रोजगार आदि के संबंध में किया है, तो न्यायालय अपने विवेक के आधार पर उसका ऐसा कार्य करने की अनुमति की अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकती है। तरह धारा नौ, सरकारों द्वारा दिए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलंबन। किसी ऐसे ऐसे लोग पूजा स्थान या शिक्षण संस्था या छात्रावास जिले सरकार द्वारा भूमि धन अनुदान प्राप्त होगा। यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी साबित होता है तो न्यायालय कोई अधिकार एक अनुदान अथवा उसके किसी भाग को जब्त करने के आदेश दे सकती है। धारा 10, अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध करने के लिए उकसाना या सहायता करना। किसी जो कोई अधिनियम के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह उस अपराध के लिए दंड से दंडित होगा। धारा 10A, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसके अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र के निवासी जो स्वयं इस प्रकार के अपराधों में संलग्न अपराधियों को शरण दे अथवा ऐसे अपराधियों को पकड़ने में मदद नहीं करते अथवा अपराध के सबूतों को दबाने की कोशिश करते हैं तो अपराध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अपराध अस्पष्टता की श्रेणी में आता है, तो राज्य सरकार ऐसे समूहों को सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकेगी। धारा 11, पश्चातवर्ती दोषों अपराध करने पर सजा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत एक बार अपराध कर चुका हो और तो दूसरी बार अपराध करता है तो 6 से 1 वर्ष तक की सजा और 100-200 से 500 रुपये तक का जुर्माना, और अगर तीसरी बार इस तरह का अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिकतम 2 वर्ष और 500 रुपये से 1000 रुपये तक दंड से दंडनीय होगा। याद रखना, पहली बार अगर कोई करता है तो उसे 1 माह से 6 माह तक की सजा, 100 से 500 रुपये जुर्माना। दूसरी बार अगर अपराध करता है 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा और 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना, और अगर तीसरी बार करता है अपराध तो 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास प्लस 500 रुपये से 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड होगा। धारा 12 की बात करें, कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा उपधारणा। इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी अपराध जो कि अनुसूचित जाति के संदर्भ में किया गया है तब तक छुआछूत के संदर्भ में माना जाएगा जब तक कि न्यायालय उसे प्रतिकूल साबित नहीं कर सके। उपधारणा का अर्थ होता है ऐसा हुआ है अथवा नहीं हुआ। फिर धारा 13, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की सीमा। इस धारा 13 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिता की सीमा। इसके अंतर्गत सिविल कोर्ट ऐसा कोई केस ग्रहण नहीं करेगा या और ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो अधिनियम के विरुद्ध हो, ना कुछ ऐसा निर्णय दे सकता है जो अस्पष्टता के आधार पर किसी रूढ़ी या प्रथा को मान्यता प्रदान करता हो। ठीक। धारा 14, कंपनियों द्वारा अपराध। तो कंपनी का अर्थ होता है कोई फार्म जिसका निदेशक हो या अन्य कोई व्यक्ति की संस्था हो सकती है। यह निगमित निकाय होता है और यदि अपराध कंपनी द्वारा किया गया हो तो कंपनी में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के लिए उत्तरदायी होता है अपराध को दोषी माना जाएगा और दंड का भागी होगा। किंतु यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसके जानकारी के बिना हुआ है तो वह अपराध के लिए दंडनीय नहीं होगा। कंपनी के निदेशक, फार्म प्रबंधक, सचिव एवं अन्य अधिकारी भी इस अपराध के लिए दंडनीय होंगे यदि उसकी सहमति से यह अपराध होता है तो। धारा 14A है, इसमें सद्भावना पूर्वक की गई संरक्षण STSC एक्ट जैसा। ठीक। आपको बता दें 14A का मतलब है धारा 14A, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई की गई संरक्षण के लिए। जैसे कोई काम ऐसा काम किया जाता है जो सबके सद्भाव के लिए सबके लिए है, अगर उसके तहत अगर कोई अपराध होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा। ठीक। जो सबकी सबके लिए हो है? अब धारा 15 की बात करें तो यह अपराध संज्ञेय एवं विचारणीय होंगे। इस प्रकार के अपराध संज्ञेय अपराध होंगे और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर परिमत नगर जज इस प्रकार के अपराध के केवल उस अधिकार को छोड़कर उसे छोड़कर जो IPC की 1973 के अंतर्गत 3 माह से अधिक का कारावास से दंडनीय का निराकरण कर सकेंगे। ठीक।
बात कर, साथ ही मामला सापेक्ष विचारणीय हो, अर्थात यदि लोक सेवक के द्वारा दर्ज किया गया जाता है तो केंद्रीय सेवक हेतु केंद्र और राज्य के लोक सेवक पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना लोक सेवक को अभियोजित नहीं किया जाएगा। फिर धारा 15, अस्पष्टता के अंत करने से उपलब्ध अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना या लाभ लेना आदि की सुनिश्चित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। धारा 16, अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा, अर्थात यदि अधिनियम अपने से असंगत होने वाले अन्य सभी अधिनियमों विधियों तथा न्यायालय के आदेश व डिक्की पर प्रभावी होगा, इसी अधिनियम के प्रावधानों को वरीयता दी जाएगी। धारा 16 ए, 14 वर्ष से अधिक इस धारा के अंतर्गत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिसे इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी माना गया है। फिर धारा 16 बी, नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार राज्य सरकार में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों संबंधित नियम बना सकेगी। प्रत्येक बनाया गया नियम यथाशीघ्र संसद के दोनों समक्ष सदनों के समक्ष रखा जाएगा। अब बात करते हैं धारा 17 निरसन, अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान जो कि अधिनियम के प्रावधानों के समान या विपरीत है तो धारा 17 के द्वारा हटा दिए जाएंगे। तो याद रखना, ये था हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग 1989 के में। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1989 STST Act 1989। ठीक है।